गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरदा डिग्री कॉलेज यूट्यूब चैनल. माई सेल्फ डॉक्टर हेमा शमीम भट्ट. वी आर हियर टू डिस्कस द कॉन्टेंट ऑफ द चैप्टर द वंडर दैट वॉज इंडिया बाई ए एल बाशम. स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स सिलेबस ऑफ बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी बी ए बी कॉम बी सी ए बी बी ए एंड BSc. In this particular section, I would like to introduce the author first. Arthur Basham or A. L. Basham, born on 24th May 1914, and he passed away on 27th January 1986, was a noted historian, Indologist, and author of a number of books. He was a professor at the School of Oriental and African Studies, London, in the 1950s and 1960s. He taught a number of famous historians of India, including Professors Ram Charan Sharma, Romila Thapar, V.S. Pathak, and Thomas R. Trotman. Inki bahut zyada jo prachalit book thi, wo thi The Wonder That Was India. It was published 7 years after the 1947 independence of India. इसके revised editions भी आए हैं 1963 और 1967 में. जैसे कि हमने इनके introduction में देखा कि he is an Indologist, मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीपों की भाषाओं, ग्रंथों या इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करते हैं भारत विद्या में, वह विद्या कहलाती है इंडोलॉजी. यह एशिया अध्ययन का एक भाग है. इसे भारत अध्ययन, इंडिक स्टडी या दक्षिण एशियाई अध्ययन भी कहा जाता है. उसी के रिगार्ड्स में इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है द वंडर दैट वाज इंडिया के बारे में इन्होंने बहुत विस्तृत में हमसे कई महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है यह साझा की है. ये भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में और उसके वर्ल्ड में रिकग्निशन को लेकर और आइडेंटिटी को लेकर ये चैप्टर हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन देगा. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. जो चैप्टर की शुरुआत है स्टूडेंट्स, वो हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में बताने से होती है कि जो हिंदू सिविलाइजेशन है वो हमेशा से अपनी कंटिन्यूटी बनाकर चलता है या चलता आया है. भारतीय संस्कृति कभी ना रुकने वाली एक संस्कृति है. इसका जो इवोल्यूशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आर्यंस तक हुआ है. इसके अदर जो सेक्ट्स हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इसको भी इसने प्रभावित किया है. हमें भारतीय संस्कृति कि इस बात पर अटूट विश्वास है कि ये हिंदू सभ्यता निरंतर बनाए रखेगी. और जो इसके बहुत महान ग्रंथ हैं जैसे भागवत गीता और उपनिषद, वो आम जन जीवन को किस तरीके से लाइफ बहुत ही क्वाइटली और जेंटली विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज सस्टेन्ड बताई जाती है या सिखाई जाती है. तो इन उपन्यासों के थ्रू वी गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट हाउ टू लिव लाइफ इन अ क्वाइट जेंटल एंड हैप्पी वे. अनलाइक द हैक्टिक लाइफ ऑफ द वेस्ट, जिस तरीके से वेस्ट में लाइफ बहुत हेक्टिक होती है और बहुत मुश्किल होती है, उसके विपरीत जो भारतीय उपन्यास हैं वो हमें बहुत सादगी से और बहुत खुशी से जीवन व्यतीत करना सिखाते हैं. इंडियन कल्चर में बहुत कुछ जो अनुपयोगी रहा है वह नष्ट हो चुका है, जैसे सैक्रिफाइस ऑफ द एनिमल्स और चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा. जानवरों की बलि खत्म हो चुकी है. विधवाओं ने अपने पति की चिताओं पर जलना बंद कर दिया है. चाइल्ड मैरिज भी पूरे तरीके से प्रोहिबिटेड है या समाप्त हो चुकी है यह प्रथा. The whole India is also changing its culture and tradition in the best possible way. पूरे इंडिया का जो संस्कृति है
वो अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से भारतीय संस्कृति से इवॉल्व होकर ग्रो कर रही है और कंटिन्यू करेगी ग्रो करना। जो कास्टिज्म था वो भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हुआ है, अब ये देखने को नहीं मिलता है। परिवार व्यवस्था आज की स्थिति बदल रही है और खुद को नए ढांचे में ढाल रही है। और हम देखेंगे कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वो अपना कल्चर इंडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है या बहुत ज़्यादा प्रभावित है इंडियन कल्चर से। इंडियन कल्चर से ही उसे अपनी संस्कृति प्राप्त हुई है। अर्ली इन 5th century BC, कॉलोनिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया विजिटेड सिलोन एंड ग्रेजुअली सेटल्ड देयर। 5वीं शताब्दी में कई कॉलोनिस्ट जो थे वो उपनिवेश बनाकर सिलोन, जो प्रेजेंटली श्रीलंका है, वहाँ सेटल हो गए थे। बिकॉज ऑफ द डीप इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन हिस्टोरियंस प्राउडली कॉल्ड दिस एरिया एज ग्रेटर इंडिया। उनका भारतीय संस्कृति में जो अटूट विश्वास था, इस वजह से उन्होंने इसे ग्रेटर इंडिया कहा। इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स एमसीक्यू के कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ग्रेटर इंडिया क्यों कहा जाता है भारत के इस हिस्से को। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि इंडियन हिस्टोरियंस या इतिहासकार ने इसे इसीलिए ग्रेटर इंडिया कहा गया क्योंकि वे इसकी संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इंडियन कॉलोनीज वर नॉट लाइक ब्रिटिश कॉलोनीज। ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से जो कॉलोनीज बनाई थी वैसी कॉलोनीज इंडिया की नहीं थी, वैसे उपनिवेश नहीं हुआ करते थे। देवर पीसफुल इंडियन कॉलोनीज या भारतीय उपनिवेश जो हुआ करते थे वो काफ़ी पीसफुल रहते थे। सिर्फ उसमें एक एक्सेप्शन है, भारतीय लेजेंडरी आर्यन किंग विजया का, जिनका सिर्फ एक ही एविडेंस है कि उन्होंने फॉरेन की कोई भूमि पर युद्ध नीति से या स्वॉर्ड से या तलवार से किसी हिस्से पर अपनी विजय प्राप्त की थी। अन्यथा हम जो अहिंसा है उसका पथ या उसका पाथ फॉलो करते हैं। नॉर्थवर्ड्स देयर वॉज कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना अबाउट 2000 years ago। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो इंडिया और चाइना का जो संबंध है वो 2000 साल पुराना संबंध है। एज ए स्पेशल गिफ्ट टू एशिया, इंडिया हैज सम प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स लाइक राइस, कॉटन, शुगर केन, स्पाइसेस, गेम ऑफ चेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरल नोटेशन। इंडिया ने विशेष रूप से चावल, कपास, गन्ना और शतरंज का खेल, ये प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स के तौर पर वर्ल्ड को दिया है। हमारी कई प्रजातियां जानवरों की और कई घरेलू पक्षियों की भी एक देन है पूरे वर्ल्ड को। अंक संकेतन की दशमलव प्रणाली भी भारत की ही देन है। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, देयर हैज बीन एन इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल सेंस टू द वर्ल्ड। ट्रेसेस ऑफ इट कैन बी सीन इन पाली स्क्रिप्चर एंड न्यू टेस्टमेंट एंड ज्यूविश सेक्ट विच फॉलोज मोनास्टिक प्रैक्टिसेस समवॉट सिमिलर टू बुद्धिज्म। हम ये देखते हैं कि जो ये अध्यात्म का भारतीय संस्कृति से जो कॉन्टैक्ट है वो भारतीय अध्यात्म का पूरे विश्व पर भी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी गई है। उसके जो एग्जाम्पल्स या ट्रेसेस देखे जा सकते हैं वो पाली संस्कृति पर, और जो बाइबल का एक हिस्सा है, एक चैप्टर है, अध्याय है, उसमें भी मेंशन किया गया है न्यू टेस्टमेंट में कि कुछ जो यहूदी थे उन्होंने बौद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म से इंस्पायर होके उनके सन्यासियों की जीवन शैली को लेकर काफ़ी मिलता जुलता
असर अपने रिलीजन पर देखा और उसको फॉलो किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यहूदी हैं वे भी भारतीय सभ्यता से, भारतीय संस्कृति से बिना प्रभावित हुए नहीं रह सके, और उनके धर्म और उनके रिलीजन पर भी भारतीय संस्कृति की छाप हमें देखने को मिलती है। अलॉन्ग विद द कल्चर, इंडियन थॉट ऑल्सो स्प्रेड इन द 19th सेंचुरी। बंगाली मिस्टिक रामकृष्ण परमहंस एंड हिज डिसाइपल स्वामी विवेकानंद एंड देन महात्मा गांधी वॉज ग्रेटली एडमायर्ड बाई पीपल। The West also admired Gandhiji's policy of non-violence, his burning sincerity and energy. Students, अगर हम बात करें भारतीय कल्चर की, इसकी जो लेगेसी है वो पूरे विश्व में 19वीं शताब्दी में फैली। बंगाली मिस्टिक जो थे रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे ग्रेट पर्सन्स, इन्होंने पूरे वेस्ट में इंडिया की जो संस्कृति है, इंडिया का जो कल्चर है, इंडियन वैल्यूज़ हैं, उनको या उनका परचम लहराया। और इसी वजह से वेस्ट में बहुत ज़्यादा एडमिरेशन मिला भारतीय संस्कृति को या भारतीय मूल्यों को, और महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंस या अहिंसा पॉलिसी है उसको बहुत लोकप्रियता मिली। एंड मैनी पीपल वर इंस्पायर्ड बाय हिज वे ऑफ हैंडलिंग, अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। देन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, जर्मन फिलोसोफर गोथे ऑल्सो बोरोड इंडियन ड्रामाटर्जी फॉर हिज फेमस प्ले फॉस्ट, एंड इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोनोइज्म ऑफ इंडियन थॉट। अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो जो फेमस जर्मन राइटर थे, लिटरेचर के फिलोसोफर थे, थिंकर थे गोथे, उन्होंने इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड होकर अपना एक फेमस प्ले जो फॉस्ट था उसका प्रोलॉग लिखा। वे एक दार्शनिक थे, तो उन्होंने मोनोइज्म से प्रभावित होकर अपने विचार व्यक्त किए अपने प्रोलॉग में। भारतीय विचार में एकात्मवाद से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसी तरह न केवल जर्मन फिलोसोफर या राइटर अपितु अमेरिकन राइटर्स भी इंडियन लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनमें कुछ नाम मैं मेंशन करना चाहूँगी, जैसे इमर्सन, थोरू, रिचर्ड जेफरीज एंड एडवर्ड कारपेंटर। ये बहुत फेमस नेम्स हैं कुछ राइटर्स के, और ये भी बहुत ज़्यादा भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर या इंडियन लिटरेचर से प्रभावित होकर इन्होंने अपने वर्क्स को री इन्वेंट किया था या री राइट किया था। नाउ इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऑल द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड आर मिंगलिंग विथ ईच अदर, and we expect a single culture in the future with some local differences. India's contribution in this cultural stock will definitely be great. Agar hum baat kare vaishvikaran ki, to due to globalization we see that the world is now called a global village. Sabhi deshon ki sanskriti aapas mein mingle ho rahi hai, mix ho rahi hai, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में एक सिंगल कल्चर होगा जो कुछ लोकल डिफरेंसेस के साथ देखा जाएगा। बहुत ही माइक्रो या सूक्ष्म लेवल पर वो डिफरेंसेस होंगे लोकल लेवल पर, लेकिन वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे कि एक ही कल्चर या एक ही संस्कृति पूरे विश्व को जोड़े रखे है, और वो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की वजह से पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसमें हमारे देश की बात करें, तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है इस कल्चरल स्टॉक में वो बहुत ही अद्भुत होगा, और अद्भुत होने के साथ साथ बहुत ही महान है। ये हम अभी से फील कर रहे हैं, या फिर हम इतने वर्षों से हम उससे अनभिज्ञ नहीं हैं। स्टूडेंट्स,
I hope you are able to understand the content of this chapter. Now let us discuss few MCQs of the same. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसके MCQs देख सकते हैं. And I hope you will be able to even answer the MCQs which are given here. For example, the first MCQ deals about the Indian culture influence begin in Ceylon. कि कब इंडियन कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था वो सिलोन में देखा गया था. आप इसके ऑब्जेक्टिव देखिए, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी BC, फिफ्थ सेंचुरी BC और सिक्स्थ सेंचुरी BC. कैन यू गेस? आई होप यू वुड बी एबल टू गेस राइट. द आंसर इज सी. द आंसर इज सी, फिफ्थ सेंचुरी BC. सो सिलोन में इंडियन कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था वो फिफ्थ सेंचुरी BC से देखा गया था. द ओल्ड फेस ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड फुली, इज वैनिशिंग डेली, इज चेंजिंग फास्ट, इज नॉट लाइकली टू चेंज एट ऑल. आप इसका आंसर अगर आपने रिलेट किया हो या चैप्टर में देखा हो, समझा हो, तो देखा होगा कि इट्स चेंजिंग फास्ट. बहुत जल्दी हम अपनी संस्कृति को री इन्वेंट कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, और हम अपनी पुरानी जो सभ्यता है उसको फिर से सहेज कर रख रहे हैं. हम इवॉल्व हो रहे हैं एज अ बेटर पर्सन, एज अ बेटर कंट्री देन वॉट वी वर प्रीवियसली. सो द ओल्ड फेस ऑफ इंडिया इज चेंजिंग वेरी फास्ट. Then, who is the author of the essay The Wonder That Was India? Students, this is a very easy question. I hope you would be able to guess or think logically about the answer. Answer is B. A.L. Basham. Ye Indologist bhi the. इन्होंने द वंडर दैट वॉज इंडिया में भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत कुछ डिटेल में हमें काफ़ी अच्छी जानकारी प्रेषित की. क्वेश्चन 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिकल ब्लेसिंग इंडिया हैज़ कॉन्फेस्ड ऑन द वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट यू टू रीड द question very properly and then try to answer it. Wool, iron, cotton and gold. Take some time and guess what is the right answer. I hope you would be able to rationale and give the right answer. इंडिया ने कौन सी ब्लेसिंग्स पूरे वर्ल्ड को दी है. सो द राइट आंसर इज कपास की या कॉटन की. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. द ऑप्शंस आर रिलेशन ऑफ कंफर्ट, ऑफ कंटिन्यूटी, ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड डिसकंफर्ट. कैन यू गेस द राइट आंसर? So, the answer is retention of continuity. ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्वालिटी है इंडियन सिविलाइजेशन की, कि हम हमारे हजारों वर्ष पुराने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक्स हैं लाइक महाभारत या भागवत गीता, और जो हमने डिस्कस किए हैं कुछ उपन्यास जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर बहुत ग्रेटली एक अपना इम्प्रेशन लीव किया है, जिसकी वजह से आज भी जो हमारी संस्कृति है वो कंटिन्यूटी में है, या फिर निरंतर उन्हीं लाइंस पर या उसी लेगेसी को फॉलो कर रही है. सो द राइट आंसर इज दैट द मोस्ट आइडेंटिकल और
indigenous quality of Indian civilization is the retention of its continuity, nirantarta ki. Thank you so much.